everyone, welcome on our education point. And today in this video we will continue 12th class flamingo book 6 lesson poet and pancakes. The writer of the lesson is Ashok Mitran. Ashok Mitran is a Tamil writer and this lesson is an excerpt. Excerpt means part hai his book My Ears with Bose, means the title of the book is My Ears with Bose है और यहाँ पर इस book के अंदर writer ने अपने experiences को share किया है जब वो Gemini Studio में काम करते थे. Gemini Studio एक film making studio है जहाँ पर उन्हें काफ़ी सालों तक काम किया है. इसके साथ ही वो इस book में बातें करते हैं कि कैसे film industry का Indian peoples की life पर influence रहा है. अब जो Gemini स्टूडियो है वो 1940 में सेटअप किया गया था चेन्नई के अंदर और ये उस वक्त का यानी कि जो अर्ली फिल्म मेकिंग डेज जो थे इंडिया के अंदर उस वक्त की सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन थी. इसके फाउंडर एसएस वासन हैं और एसएस वासन अशोक मित्रन के फादर के फ्रेंड थे और इसी वजह से अशोक मित्रन Gemini स्टूडियो में काम करते थे और उनका जो काम होता था वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल, कि वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर न्यूज़पेपर में आने वाली क्लिपिंग्स को कट करते थे और उन्हें फाइल के अंदर स्टोर करते थे. लेट्स प्रोसीड इन द लेसन पोएट्स एंड पैनकेक्स. पैनकेक एक ब्रांड का नेम है जो कि मेकअप मटेरियल बनाता था और Gemini स्टूडियो में उसी ब्रांड का मेकअप यूज किया जाता था. राइटर बताते हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट Gemini स्टूडियो में अपस्टेयर्स बिल्डिंग पर था, मींस ऊपर की बिल्डिंग पर था और जहां पहले रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था, मींस अस्तबल हुआ करता था. इसके साथ ही ऑथर कहते हैं कि ये जो रूम था ये हेयर कटिंग सैलून के जैसा नज़र आता था क्योंकि इसके सभी एंगल्स में बड़ी बड़ी लाइट थी और बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे. साथ ही ऑथर कहते हैं कि ये इनकैंडेसेंट लाइट्स मीन्स ये ग्लोइंग हीट वाली जो लाइट थी ये बहुत ही तेज हीट छोड़ती थी और जिन लोगों को वहाँ मेकअप करवाना होता था उन्हें काफ़ी फियरी मिजरी होती थी, मीन्स काफ़ी पेन होता था. अब वो कहते हैं कि पहले ये डिपार्टमेंट एक बंगाली हेड करता था, मीन्स उसका हेड जो बंगाली था, बट बाद में उसको हेड महाराष्ट्र से आए हुए व्यक्ति को बनाया गया और उसको असिस्ट करने वाले लोग जो थे वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए हुए थे, जैसे धारवाड़ कन्नड़ से, आंध्रा से, मद्रास से बिलोंग करने वाला क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मास और दूसरे तमिल के लोकल लोग थे जो उन्हें असिस्ट करते थे. और ऑथर को ऐसा फील होता है कि यहाँ पर ऐसे लगता था इस डिपार्टमेंट को देख करके यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन बहुत पहले हो गया था. किससे पहले? ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का जो नेशनल इंटीग्रेशन हुआ था उससे काफ़ी पहले हो गया होता. आगे ऑथर बताते हैं कि ये मेकअप डिपार्टमेंट के मैन उन पैनकेक्स और दूसरे लोकल मेड पोशंस एंड लोशन, पोशंस होता है औषधि, लोशन दूसरे जो मटेरियल थे उनकी सहायता से एक डिसेंट लुकिंग पर्सन को हीडियस क्राइमशन ह्यूड मोनेस्टर में बदल देते थे. मीन्स हीडियस क्राइमशन ह्यूड मोनेस्टर का मतलब है लाल रंग के ड्रावने लगने वाले राक्षस के अंदर. इसके साथ ही ऑथर ने बताया कि उन दिनों में ज़्यादातर शूटिंग इंडोर होती थी, कुछ ही परसेंट फिल्म का हिस्सा ऐसा था जो आउटडोर शूट किया जाता था. अब वो कहते हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर एक स्ट्रिक्ट हायरकी को फॉलो किया जाता था, मींस एक ऑर्डर जो था वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था कि कौन कैसे वर्क करेगा. जैसे कि चीफ मेकअप मैन जो है चीफ एक्टर और एक्ट्रेस को अगली करेगा, मींस अगली मींस यहाँ पर जो है मेकअप से ही है, मेकअप करेगा. उसके बाद सीनियर असिस्टेंट सेकंड हीरो और हीरोइन को मेकअप करेगा. आफ्टर दैट जो जूनियर असिस्टेंट होता था वो कॉमेडियन को. इस तरीके से ये सिस्टम सो फोर्थ चलता रहता था. अब आगे ऑथर कहते हैं कि जो ऑफिस बॉय थे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्राउड को प्ले करने वाले प्लेयर्स को मेकअप करना था. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये जो ऑफिस बॉय है वो एग्जैक्टली बॉय नहीं है बट के एक अर्ली 40s यानी कि 40 के आसपास का कोई मैन है और जो यहाँ पर बहुत साल पहले आया था हीरो बनने के लिए.
या फिर वो स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर बनने के लिए आया था, बट वो ऐसा कुछ नहीं बन पाया और एक ऑफिस बॉय बनकर रह गया। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि मैं उन दिनों में वहाँ पर, यानी कि जैमिनी स्टूडियो के अंदर, एक क्यूबिकल रूम के अंदर काम करता था जिसके दोनों साइड फ्रेंच विंडो लगी थी, और मुझे जो है डेस्क पर बैठकर हमेशा पेपर काटते हुए देख करके बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि आई वॉज डूइंग नथिंग, कि मैं कुछ नहीं कर रहा था। और अब वो कहते हैं कि कुछ लोग ये सोच करके, जिसको भी ऐसा लगता था कि मुझे कुछ काम मिलना चाहिए, वो वहाँ पर आ जाते थे मेरे रूम में और मुझे बहुत बड़ा लेक्चर देना शुरू कर देते। ऐसे ही यही सोच करके एक दिन ऑफिस बॉय भी आता है, ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे, यानी कि लेखक को परिचित करवाए अपने टैलेंट के बारे में जो कि उस डिपार्टमेंट में वेस्ट हो रहा था। तो ऑफिस बॉय लेखक के साथ काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, और ऑथर कहते हैं कि मैंने तब से प्रेयर करना शुरू किया कि क्राउड शूटिंग चलती ही रहे, क्योंकि क्राउड शूटिंग चलेगी तभी ऑफिस बॉय को काम मिलेगा और वो अब उसके ऑफिस में उसे परेशान करने के लिए नहीं आएंगे। लेखक कहता है नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, कि अब इसके अलावा मुझे उसके एपिक्स से, मीन्स उसके बड़ी बड़ी बातों से कोई नहीं बचा सकता था, केवल क्राउड शूटिंग ही बचा सकती थी। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि जनरली मनुष्य जब फ्रस्ट्रेट होता है तो अपनी फ्रस्ट्रेशन का कारण किसी एक बंदे को मानता है, वैसे ये ऑफिस बॉय अपने सभी वॉयज, इकोनॉमी एंड नेग्लेक्ट का कारण कोथ मंगलू सुबु को मानता है। वॉयज होता है यहाँ पर ग्रीफ, इकोनॉमिनी का मतलब डिसऑनर है, और नेग्लेक्ट का मतलब तिरस्कार है। कहता है अपने इन सभी कारणों का कारण कोथ मंगलम सुबु को मानता है। राइटर बताता है कि कोथ मंगलम सुबु जैमिनी स्टूडियो के अंदर नंबर 2 पे आता है, मीन्स उसकी इम्पोर्टेंस सेकेंड नंबर पर है, क्योंकि हेड कौन है, मिस्टर वसान है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ना ही उसने किसी फिल्म में कोई अनकरेजिंग ओपनिंग की है, जैसी कि हमारे ऑफिस बॉय ने की थी, वैसी कोई अनकरेजिंग ओपनिंग नहीं रही है, और ना ही उसकी फॉर्मल एजुकेशन उतनी अच्छी है जितनी कि इस ऑफिस बॉय की है, फिर भी सुबू जो है वहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है। इसके पीछे ऑफिस बॉय एक तर्क देता है कि वो इसलिए है क्योंकि वो बाई कास्ट ब्राह्मण है और उसे वर्चू मिला हुआ है, मीन्स ये उसका गुण मानता है, और ब्राह्मण होने के कारण ही उसके एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल्स से रिलेशंस हैं, मीन्स प्रभावशाली लोगों से वो मिलता है और उनका फ़ायदा उठाता है। ऑथर कहते हैं कि वो एक काफ़ी चीयरफुल लुकिंग पर्सन है, हालांकि उसका एक फ्लॉप फिल्म के अंदर हाथ है, मीन्स उसकी एक फिल्म फ्लॉप हो गई है, बट फिर भी वो हमेशा चीयरफुल रहता है, परेशान नहीं होता। जब भी उसके पास कोई आता है उसके लिए उसके पास काम होता है, वो अपने आप कुछ नहीं करता बट कि लोगों से करवाता रहता है। ऑथर कहते हैं कि उसकी जो सेंस ऑफ लॉयल्टी है वही उसको अलग से आइडेंटिफाई करवाती है, क्योंकि वो अपने बॉस के प्रति काफ़ी लॉयल है और उसके अपने बॉस के एडवांटेज के लिए एंटायर क्रिएटिविटी को यूज करता है, मीन्स वो टोटली डेडिकेटेड है अपने बॉस के प्रति। इसके साथ ही ऑथर कहते हैं कि ऐसे लगता है कि ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, टेलर मेड मीन्स कि जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बना हुआ हो, तो यहाँ पर उसको देखकर लगता है कि वो फिल्मों के लिए ही बना है। इसके साथ ही ऑथर कहते हैं कि वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक बार प्रोड्यूसर को समझ नहीं आ रहा था कि किसी कोई सीन था जिसमें रैट और टाइग्रेस की फाइट होनी थी वाटर के अंदर, और रैट जो है टाइग्रेस को किल कर देता है, और फिर उसके किल करने के बाद टाइग्रेस के कब्स यानी जो बच्चे होते हैं उनको उसके ऊपर दया दिखानी है, और उसके बाद उन्हें लविंगली पालना है, मीन्स उसको अच्छे से उनकी पालन पोषण करना है। अब राइटर कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इस सीन को वो कैसे शूट करें, तभी सुबह वहाँ पर आता है और चार तरीके बताता है वो कि कैसे रैट जो है अपने अफेक्शंस को शो करे उन विक्टिम्स के ऑफस्प्रिंग्स के ऊपर, यानी कि उस टाइग्रेस के बच्चों के ऊपर। तभी प्रोड्यूसर कहता है कि हाँ इट्स गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ अफेक्टिव एनफ, कि हाँ ये तो सही है बट मैं श्योर नहीं हूँ कि ये इतना अफेक्टिव होंगे, मीन्स जो आपने
चार तरीके बताए हैं, उनमें से कोई भी एक मुझे अफेक्टिव नज़र नहीं आया। तभी सुबह जो है 14 अदर अल्टरनेटिव्स बताते हैं उस सीन को शूट करने के। आगे राइटर कहते हैं कि फिल्म मेकिंग जैसी चीज़ जो है या जैसा बिजनेस जो है सुबह जैसे आदमी के साथ ईजी हो जाता है। मीन्स उसके अंदर इसके बारे में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट भरा हुआ है कि वो उस काम को ईजी कर देता है, हालांकि ये काम काफ़ी टफ है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जेमिनी स्टूडियो के जो गोल्डन ईयर्स रहे हैं उस दौरान अगर उसको किसी ने डायरेक्शन और डेफिनेशन दी थी तो वो केवल शुभू ही था। मीन्स जेमिनी स्टूडियो को फेमस बनाने का काम केवल शुभू ने ही किया था, वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन था। इसके अलावा राइटर ये भी कहते हैं कि वो हालांकि मल्टी टैलेंटेड था तो वो एक पोएट का भी एज ए पोएट भी वर्क करता था, और हालांकि उसके अंदर इतनी क्वालिटी थी कि वो कॉम्प्लेक्स पोइट्री को कंपोज कर सकता था, बट उसने डेलिब्रेटली मासेस की पोइट्री को कंपोज किया। मीन्स ऐसी पोइट्री जो आम लोगों को समझ में आए, ऐसी पोइट्रीज को उसने कंपोज किया। आगे ऑथर बताते हैं कि सुबू एक अमेजिंग एक्टर है, बट उसने कभी भी लीड रोल के लिए एस्पायर नहीं किया, मीन्स इच्छा नहीं की। बट जब उसे ये सब्सिडरी रोल प्ले करने के लिए कहा जाता था फिल्म के अंदर तो वो उसको इतना बेटरली परफॉर्म करते थे कि किसी भी मेन प्लेयर से ऐसा सुपोज नहीं किया जा सकता था। मीन्स वो अपने एक्टिंग को काफ़ी अच्छे से प्ले करते थे और मन से प्ले करता था। इसके बाद ही राइटर बताते हैं कि वो इतना अट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी था कि जब भी कोई उसके कॉन्टैक्ट में आता था तो वो उससे जीनियन लव करना शुरू कर देता था। मीन्स वो उससे कोई भी उसके कॉन्टैक्ट में आता था वो उसको पसंद करना शुरू कर देता था। और ऑथर कहते हैं कि उसके घर में हमेशा ही परमानेंट गेस्ट रहते थे फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस। जो उसके दूर के रिश्तेदार होते थे या जान पहचान वाले होते थे वो हमेशा उसके घर में रहते ही थे। और कहता है कि सुबह हमेशा ही उनको फीडिंग करता था और सपोर्ट करता था बहुत सारे लोगों को। अब राइटर कहता है कि सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड येट ही हैड एनिमीज, कि वो इतना दानशील व्यक्ति था, चैरिटेबल था और इम्प्रोविडेंट था। मीन्स बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में चिंता नहीं करता था, फिर भी उसके मित्र थे, सॉरी उसके दुश्मन थे, एनिमीज थे। अब वो राइटर जो हैं थोड़ा अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि वो इसलिए उसके दुश्मन हों क्योंकि वो अपने बॉस का ज़्यादा इंटीमेट था, मीन्स उसके क्लोज था, या फिर उसका जनरल डेमिन्योर था एक साइकोफेंट से रिजेंबल करता था। मीन्स उसका जो जनरली व्यवहार था वो ऐसा नज़र आता था जैसे ये किसी कोई चापलूसी कर रहा हो, किसी चापलूस से उसका मिलता जुलता व्यवहार नज़र आता था, या फिर ऐसा था कि वो किसी भी काम को करने के लिए हमेशा रेडी रहता था और उसके बारे में अच्छाइयाँ बताने के लिए रेडी रहता था। अब राइटर कहते हैं कि जो भी कारण हो बट फिर भी उसके दुश्मन थे, जैसे कि ऑफिस बॉय। इसके साथ ही आगे राइटर कहते हैं कि हालांकि सुबह बॉस के साथ रहता था बट उसका जो नाम था वो स्टोरी डिपार्टमेंट में चलता था, जिसमें एक लॉयर भी हैं और दूसरे राइटर्स एंड पोर्ट्स भी हैं। इसके साथ ही ऑथर कहते हैं कि लॉयर को जनरली लीगल एडवाइजर माना जाता है, बट वहाँ पर जो लॉयर को कंसीडर करते थे वो इसका अपोजिट ही मानते थे। मीन्स उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी थी कि उसे लीगल एडवाइजर के रूप में कोई नहीं जानता था। और एक इंसिडेंट यहाँ पर शेयर करते हैं कि एक बार एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस होती है, वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है सेट के ऊपर और वो कुछ कुछ बोलना शुरू कर देती है। जब वो गुस्सा होती है तो हर कोई स्टंड होता है, मीन्स स्तब्ध रह जाता है, लेकिन लॉयर क्या करते हैं क्वाइटली रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को स्विच ऑन कर देते हैं, और जब वो एक्ट्रेस पोज लेती है तो वो उस रिकॉर्डिंग को प्लेबैक कर देते हैं। एक्ट्रेस अपनी प्लेबैक साउंड यानी कि साउंड को सुन करके काफ़ी स्ट्रक डंप हो जाती है, मीन्स स्तब्ध रह जाती है, और तभी से वो काफ़ी अच्छा फील नहीं करती, गिल्टी फील करती है, और इस तरीके से उसका जो ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर होता है वो उस लीगल एडवाइजर की मूर्खता के कारण वहीं पर समाप्त हो जाता है। हालांकि उसने ये काम अनविटिंगली किया था, मीन्स जानबूझकर नहीं किया था, बट एज ए उसके प्रोफेशन को ये सूट नहीं करता था, फिर भी उसने ऐसा किया।
इसके साथ ही ऑथर कहते हैं कि स्टोरी डिपार्टमेंट के ज़्यादातर बंदे एक तरह की यूनिफॉर्म को पहनते हैं, जैसे खादी की धोती और खादी की शर्ट, बट ये लीगल एडवाइज़र हमेशा ही पैंट और टाई पहन के रखता है और एक कोट को पहनता है। ऑथर कहते हैं कि वो ऐसे लगता है कि वो इस डिपार्टमेंट में अकेला है और हेल्पलेस है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में क्राउड ऑफ ड्रीमर्स है, मीन्स पोएट और राइटर्स हैं जो हमेशा ड्रीमिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बट एक ये अकेला बंदा है जो लॉजिक के साथ चल रहा होता है, क्योंकि उसका प्रोफेशन ही लॉजिक को फॉलो करता है। इसके साथ ही राइटर कहते हैं कि जैसे बॉस का वो काफ़ी क्लोज है जैसे दूसरे बंदे हैं वैसे, तो उसे एक बार फिल्म प्रोड्यूस करने का मौका दिया गया। फिल्म में काफ़ी खर्चा लगा लेकिन वो फिल्म चल नहीं पाई, नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, यानी कि फिल्म से बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हुई, और एक दिन बॉस ने उस स्टोरी डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया। और राइटर बताते हैं कि मानवीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक लॉयर की जॉब चली गई, कब, जब पोएट्स को घर जाने के लिए कह दिया गया, मीन्स पोएट्स की नौकरी के साथ एक लॉयर की जॉब चली गई। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर कंट्राडिक्शन है उसकी जॉब के साथ कि किसी भी लॉयर की जॉब का पोएट की जॉब से कोई रिलेशन नहीं होता है। इसके साथ ही ऑथर कहते हैं कि जेमिनी स्टूडियो जो है वो पोएट्स का काफ़ी फेवरेट ढूंढ रहा है, मीन्स फेवरेट प्लेस रहा है, और काफ़ी पोएट्स वहाँ पर टाइम टू टाइम विजिट करते रहते हैं, जैसे SDS वाइंगर हैं, संगु सुब्रमण्यम है, कृष्णा शास्त्री है, हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय, ये सब यहाँ पर रेगुलरली आते जाते रहते थे। इसका एक कारण था कि वहाँ पर एक कैंटीन थी, मैस थी, जहाँ पर काफ़ी अच्छी कॉफ़ी सप्लाई होती थी, और वो लोग यहाँ पर अपनी कॉफ़ी के साथ एंटरटेनमेंट करने आते थे, और स्टूडियो के बाकी लोग भी वहाँ पर लेजर लेना पसंद करते थे, मीन्स आराम करना पसंद करते थे और इन्जॉय करते थे। और ऐसे या सिनेरियो जरूरी था, प्री रिक्विसाइट था वो पोइट्री, क्योंकि पोइट्री के लिए एक हल्का फुल्का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद राइटर कहते हैं कि उस जेमिनी स्टूडियो के अंदर ज़्यादातर लोग खादी पहनते थे और गांधी जी के फॉलोवर थे, मीन्स उसके प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। राइटर कहते हैं परंतु फिर भी पॉलिटिक्स के किसी भी विचारधारा के बारे में वो हल्की सी भी जानकारी नहीं रखते थे, मीन्स पॉलिटिक्स से उनका कोई रिश्ता नहीं था। राइटर कहते हैं नेचुरली देवर ऑल अवर्स टू द ट्रम्प कम्युनिज्म, कि ये नेचुरल था कि वो कम्युनिज्म से घृणा करते थे। अब कम्युनिज्म क्या होता है ये समझ लेते हैं। कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पर गवर्नमेंट सभी चीज़ों पर अपना कंट्रोल रखती है, जैसे कि कोई लैंड है या दूसरे अदर रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर लोगों को काम करने के लिए तो अलाउड कर दिया गया जाता है, बट इन रिटर्न उन्हें केवल वेजेस दिए जाते हैं, दूसरे प्रॉफिट्स लेना उन्हें अलाउड नहीं होता है। तो इस तरह की जो सिस्टम है उसके बारे में बात उठी थी ताकि समाज के अंदर इक्वलिटी रहे, कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ होगा, केवल वही मिलेगा, उतना ही वेतन मिलेगा जितना जो काम करता है। तो यहाँ पर इस सिस्टम के कुछ डीमेरिट्स भी थे कि पीपल जो है मोटिवेट नहीं होंगे, एक जैसा काम है, एक जैसा वेजेस मिलना है, सब कुछ एक जैसा रहना है, तो क्रिएटिविटी नहीं कर दिखा पाएंगे। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो काफ़ी पावरफुल हो सकते थे और वो लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर सकते थे। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि कम्युनिज्म के वो क्या करते थे, उसको अवर्ज करते थे, डिसलाइक करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि इस जेमिनी स्टूडियो में, या फिर यूं कहें कि पूरे साउथ इंडिया के अंदर, कम्युनिज्म की जो डेफिनेशन थी वो थोड़ी अलग तरीके से कंसिडर की जा रही थी। जैसे कि उनकी नज़रों में एक कम्युनिस्ट था वो एक गॉडलेस मैन था, मीन्स नास्तिक था, उसका कोई धर्म नहीं था, कोई भगवान नहीं था। राइटर कहते हैं ही हैड नोट फिलियल आर कंजुगल लव, उसका अपने भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, फिलियल, फिलियल होता है भाई बहन के प्रति कोई प्यार नहीं था, कंजुगल लव नहीं था, मीन्स पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वैसा उनके मन, कम्युनिस्ट के मन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा
कोई कंपक्शन नहीं होता है अगर वो अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को मार भी दे तो, मीन्स पश्चाताप, कंपक्शन मीन यहाँ पर पश्चाताप है, पश्चाताप करना। और इसके अलावा उन लोगों की नज़रों में एक कम्युनिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लोग इनोसेंट और इग्नोरेंट पीपल्स के बीच में अनरेस्ट और वॉयलेंस क्रिएट करते हैं। राइटर कहते हैं कि इस तरह के नोशंस वहाँ पर साउथ इंडिया में प्रिवेल्स हैं और इसी वजह से इस स्टूडियो के अंदर जो जितने भी पोएट्स हैं यानी जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच में भी ये सारी सिचुएशंस प्रिवेल्स थी। इसके साथ ही आगे उथर कहते हैं कि एक बार फ्रैंक बुचमन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के 200 लोग मद्रास में आए और ये 1952 की बात है। उस दौरान जेमिनी स्टूडियो ने उनका होस्ट किया था, मीन्स उनका वेलकम किया था और ये कहा गया था कि ये कोई इंटरनेशनल सर्कस प्ले करने वाले लोग हैं। बट राइटर कहते हैं कि उन्हें ट्रैपेज और एनिमल्स की कोई नॉलेज नहीं थी। ट्रैपेज होता है झूले, जैसे कि सर्कस में दिखाए जाते हैं कुछ एक्ट्स ट्रैपेज से किए जाते हैं और कुछ एनिमल्स से किए जाते हैं, बट इन लोगों को इनके बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ पर उन्होंने अपने दो प्लेस को प्रोफेशनली काफ़ी प्ले किया। फर्स्ट प्ले है जोथम वैली और दूसरा है फॉरगॉटन फैक्टर। उत्तर कहते हैं मद्रास के सिटीजन्स के साथ हमने भी यानी जेमिनी फैमिली के 600 मेंबर्स ने भी उन प्लेस को बार बार देखा। उन प्ले का मैसेज था प्लेन एंड सिंपल होमिलीज से जैसा, मीन्स होमिलीज यहाँ पर मॉरल ड्यूटीज से है कि हमारे जो लौकिक कर्तव्य हैं उनको ही वो डील कर रहे थे। बट उनके जो सेट और कॉस्ट्यूम्स थे वो काफ़ी फर्स्ट रेट के थे, मींस काफ़ी अच्छे थे जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। इसके साथ ही ऑथर कहते हैं कि उनके जो सेट की सेटिंग होती थी वो काफ़ी इम्प्रेसिव होती थी और इसी वजह से तमिल ड्रामा कम्युनिटी ने जोथम वैली का जो सनराइज और सनसेट का जो सीन था वो काफ़ी लंबे समय तक यानी काफ़ी सालों तक अपने तमिल प्लेस के अंदर प्ले किया गया। इसके बाद ही वो बताते हैं कि कुछ सालों बाद हमें पता चला कि MRA यानी कि मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के जो पीपल यहाँ पर आए थे वो एक काउंटर मूवमेंट चला रहे थे इंटरनेशनल कम्युनिज्म के लिए, मींस वो कम्युनिज्म को का विरोध कर रहे थे। और राइटर कहते हैं कि बिग बॉस से जो मद्रास लाइक मिस्टर वसान सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स और मद्रास के जो बड़े बड़े लोग थे मीन्स जिनका अपना प्राइवेट बिजनेस चल रहा था वो सिंपली उनको सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो चाहते नहीं थे कम्युनिज्म अप्लाई हो। उनको आप ये बात पहले ही कह चुके हैं या समझा चुके हैं कि कम्युनिज्म के अंदर गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में सब कुछ होता और ये लोग नहीं चाहते थे ऐसा। अब आगे उत्तर बताते हैं कि कुछ महीनों के बाद फिर से मद्रास के बिग बॉसेस मीन्स रिच पीपल के टेलीफोन्स की घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं और ऐसे ही एक बार फिर जेमिनी स्टूडियो में ये कहा गया कि स्टेज को खाली किया जाए क्योंकि एक दूसरे विजिटर का वेलकम करना है। और ये अब की बार जो है वो इंग्लैंड से कोई पोएट हैं जो न्यू विजिटर हैं वो। और ऑथर कहते हैं कि जेमिनी स्टाफ जो इंग्लैंड के पोर्ट्स को जानते थे मेनली वो वर्ड्सवर्थ और टेनिसन को जानते थे। इसके अलावा जो कुछ पढ़े लिखे थे वो कीट्स सेली और बायरन को भी जानते थे, बट ये जो पोएट यहाँ पर आ रहे हैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तभी किसी ने कहा कि वो पोएट नहीं है एक एडिटर हैं, तभी इसी वजह से जो बॉस हैं मिस्टर वसान वो भी एक तमिल वीकली आनंद विकेतन के एडिटर हैं और वो उनका वेलकम कर रहे हैं। बट वो ब्रिटिश पब्लिकेशन जो पॉपुलर है मद्रास के अंदर उनमें से किसी के एडिटर नहीं हैं जिसके बारे में जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ को नॉलेज थी। इसके साथ ही ये भी सरमाइज किया गया कि क्योंकि द हिंदू एक न्यूज़पेपर है वो भी उनका वेलकम कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो एडिटर ही हों किसी डेली के होंगे, बट वो द मॉन्चेस्टर गार्डियन बट एंड लंदन टाइम्स के नहीं हैं और ये इतना ही हम सब गेस कर पाए थे। इसके साथ ही उत्तर ने बताया कि 4 बजे तक हमारे पोएट या एडिटर पहुंच चुके थे और उनकी वेलकम में हमारे बॉस ने एक लंबी स्पीच को रीड किया। हालांकि उनके स्पीच से क्लियर था कि वो भी उस पोएट या एडिटर के बारे में बहुत कम जानते थे,
और जो उनकी स्पीच थी वो जनरल टर्म्स में थी, हालांकि पेपर्ड थी फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसे वर्ड्स को यूज़ किया गया था। पेपर्ड मीन्स सजाया गया था इनको यूज़ करते हुए। आफ्टर दैट पोइट स्पोक करते हैं, मीन्स अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं, और पोइट कहते हैं कि नो वन न्यू व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, कोई नहीं जानता था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज हिज एक्सेंट डिफिटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज सेइंग, क्योंकि उनका जो एक्सेंट था, एक्सेंट में बोलने का जो लहजा था, वो किसी को भी क्लियरली समझ नहीं आ रहा था, और वही जो है अटेम्प्ट कर रहा था, सबको रोक रहा था समझने से कि क्या वो बोल रहे हैं। इसके साथ ही कहते हैं कि एक घंटे तक उनका लेक्चर चलता है। आफ्टर दैट एक घंटे के बाद जब पोइट अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं तो हम सब अटर बेफलमेंट में होते हैं और एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, व्हाट इज एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म्स, कि एक फिल्म स्टूडियो जो तमिल फिल्म बनाता है वहाँ पर एक इंग्लिश पोइट क्या कर रहा है। और अब जो है पोइट को भी काफ़ी प्रैटिक बेफेल्ड नज़र आता है, मीन्स काफ़ी परेशान है, बिकॉज ही फेल्ट द सीर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक, मीन्स वो अपनी बातों की जो इनकॉन्ग्रुइटी है, बेमेल मतलब असमानता है, उसको वो समझ गया था। और वो समझ गया था कि जो थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स मैं इन लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वो इंग्लिश को क्लियरली समझ नहीं सकते थे इसी वजह से। नाउ पोइट कहते हैं कि वो जो पोइट या एडिटर जो भी थे यहाँ पर आए थे और उनका क्या पर्पज था, वो एक अनएक्सप्लेन मिस्ट्री रहा, मीन्स किसी को क्लियर नहीं हुआ कि वो किस पर्पज से यहाँ पर आए थे। इसके साथ ही आगे होकर अपनी खुद की ऑब्जर्वेशंस को शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि संसार में कोई एडमिट करे या ना करे, बट मेरा खुद का यानी ऑथर का कन्विक्शन यानी बिलीफ जो है वो डे आफ्टर डे स्ट्रोंग होता जा रहा है कि प्रोज राइटिंग जैसे प्रोफेशन को कोई भी जीनियस पीपल परस्यूट नहीं करेगा, परस्यूट मीन फॉलो नहीं करेगा, मीन्स एज ए प्रोफेशन उसे अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि स्टोरी राइटिंग के अंदर पेशेंट और परसिस्टेंट ड्रूज की ज़रूरत है। परसिस्टेंट में लगातार, ड्रूज में कठिन मेहनत की ज़रूरत है। इसके साथ ही राइटर बताते हैं कि एक स्टोरी राइटर का हार्ट इतना श्रृंखलन हो जाता है कि उन्हें बार बार रिजेक्ट होती है उनकी मैन्युस्क्रिप्ट और उनको एक्सेप्ट करने की आदत डालनी होती है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जब भी उसकी कोई स्टोरी रिजेक्ट होती है तो वो तुरंत ही नई फ्रेश कॉपी लिखने के लिए तैयार हो जाता है, मीन्स फ्रेश स्टोरी लिखने के लिए तैयार होना होता है, और वो भी इस उम्मीद के साथ एडिटर के पास सेंड करता है कि हो सकता है ये वाली मैन्युस्क्रिप्ट भी उसके रिटर्न होकर के वापस आ जाए। मीन्स राइटर कहते हैं कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर या स्टोरी राइटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है और बहुत ही पेशेंसली वर्क करना होता है। अब आगे राइटर कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए द हिंदू के अंदर एक टीनी सी अनाउंसमेंट इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर में आई हुई है। द हिंदू एक न्यूज़पेपर है और उसके एक किसी कॉर्नर में एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि ब्रिटिश पीरियोडिकल है कोई, यानी कि साप्ताहिक पत्रिका है जिसका नाम द अनकाउंटर है, वो एक शॉर्ट स्टोरी कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज करने जा रही है। अब राइटर कहते हैं कि जेमिनी लिटरेटी जो थे, जेमिनी लिटरेटी मीन्स पढ़े लिखे और अच्छे ज्ञान वाले जो लोग थे, वो इस एनकाउंटर के बारे में नहीं जानते थे क्योंकि वो इतनी फेमस पीरियोडिकल नहीं थी। अब राइटर कहते हैं कि हालांकि फेमस नहीं थी इसलिए मैं भी अपना जो है पैसा अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को पोस्ट करवाने के लिए वेस्ट नहीं करना चाहता था और इसके बारे में कुछ जान लेना चाहता था। इसके बारे में जानने के लिए ऑथर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाते हैं और वो कहते हैं मैं वहाँ गया तो वहाँ पर कोई साइन बोर्ड या नोटिसेस नहीं लगे हुए थे जो मुझे ये फील कराए कि मैं किसी फॉरबिडन एरिया के अंदर स्नीक कर गया हूँ। मीन्स कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में इंडियंस का जाना अलाउड नहीं था, बट अब हम देश आज़ाद हैं, हमारा देश आज़ाद है, इसलिए राइटर कहते हैं कि अब मैं वहाँ पर आसानी से जा आ सकता था और मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी फॉरबिडन यानी कि मना ही किए हुए एरिया में जा रहा हूँ। जब वो वहाँ जाते हैं तो एनकाउंटर की बहुत सारी कॉपीज़ वहाँ पर पड़ी हुई होती हैं, फ्रेश होती हैं, और वो जब उठा करके उसे पढ़ना शुरू करते हैं और उसके एडिटर के नाम को देखते हैं तो राइटर कहते हैं कि उनका हार्ट जो है फिर से जो श्रृंखलन था उसके अंदर फिर से बैल रिंग करने शुरू कर देते हैं, मीन्स काफ़ी रिवाइव हो जाता है और उसे अच्छी फीलिंग आती है।
और उसे याद आता है कि ये वही पोएट है जो जिमिनी स्टूडियो के अंदर आया था। अब वो कहते हैं कि मैं ऐसे फील कर रहा था जैसे कि लंबे समय से मेरा कोई भाई जो था वो लॉस्ट हो गया है और अब जो है मुझे वो वापस मिल रहा है। तो कहते हैं मैंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को एनवेलप के अंदर डाला और अपने एड्रेस को उसके अंदर लिखा, ये गाते हुए मुझे से कुछ गाना गाते हुए, और वो गाना गाते हुए मुझे सेम वही फीलिंग आ रही थी जैसे इंडियन फिल्म्स के अंदर दो बिछड़े हुए भाई सेम गाना गा करके शुरुआत में और आखिर में मिल जाते हैं आपस में। तो वो नाम था उस राइटर का स्टीफन स्पेंडर। इसके बाद उधर बताते हैं कि कुछ सालों बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो में नहीं था और मेरे पास भी कोई खास काम नहीं था और ना ही मेरे पास पैसे थे, इसलिए जो भी कोई चीज़ लो प्राइस पे या डिस्काउंट रेट पे आती थी तो मुझे अट्रैक्ट करती थी। और ऐसे ही मैं जो है एक बार मद्रास के माउंट रोड पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा था तभी फुटपाथ पर मैंने पाइल्स ऑफ बुक्स देखी, मीन्स बुक्स का ढेर देखा जो कि 50 पैसे में थी। एक्चुअली ये डिस्काउंट जो है स्टूडेंट्स के लिए किया गया था ताकि वो लो प्राइस पर बुक्स को ख़रीद सकें, और इसके अंदर जो है ये डिस्काउंट चल रहा था रशियन रिवोल्यूशन की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी इसलिए। राइटर कहता है कि मैंने 50 पैसे पे किए और कॉपी को उठा लिया। उस बुक का टाइटल था द गोट दैट फेल। यहाँ पर एक बार हम टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं। द गोट, गोट का मतलब यहाँ पर कम्युनिज्म था, कम्युनिज्म जो कि फेल हो चुका था। और इस बुक के अंदर 6 अलग अलग प्रोमिनेंट राइटर्स ने अपने एसेज को छापा था और उन्होंने बताया था कि कैसे कम्युनिज्म की जो उनकी जर्नी थी, कैसे उन्होंने उससे प्रभावित होकर के कम्युनिज्म को अपनाया था, और फिर बाद में जब उन्हें पता चला कि कम्युनिज्म एक अच्छी चीज़ नहीं है तो वो उनकी डिस इलिजेंट रिटर्न के बारे में उन्होंने इस बुक के अंदर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया था। और उन्हीं 6 राइटर में से स्टीफन स्पेंडर भी एक होते हैं। अब राइटर कहता है कि अचानक से वो बुक मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन गई थी क्योंकि ये वही पोएट थे जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर आए हैं। अब वो राइटर कहते हैं कि एक पल में ही मेरे दिमाग के अंदर जो अंधेरा छाया हुआ था, यहाँ पर अंधेरा छाए का मतलब ये है कि अब तक जो हमें समझ नहीं आ रहा था कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर इंग्लिश पोएट ने क्यों विजिट की, वो क्या हो गई थी, वो मिस्ट्री सोल्व हो गई थी और वो मिस्ट्री नहीं रही थी। वो समझ गए थे कि जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे वो कम्युनिज्म को पसंद नहीं करते थे और ये स्टीफन स्पेंडर भी थे, ये भी कम्युनिज्म को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने एलैबोरेटली सबको समझाना शुरू कर दिया था कि वास्तव में कम्युनिस्ट जो सिस्टम है वो सही नहीं है और बॉस तो पहले से ही नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस स्टूडियो के अंदर जो है स्टीफन स्पेंडर को, जो कि एक इंग्लिश पोएट थे, अपने स्पीच को डिलीवर करने के लिए। इसके साथ ही आप सबको भी क्लियर हो गया होगा कि हु इज़ द स्टीफन स्पेंडर, क्योंकि आपने सेकंड पोएम द एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन जो रीड की है वो इन्हीं महान पोएट की लिखी हुई पोएम है। सो स्टीफन स्पेंडर बहुत ही फेमस पोएट में से एक थे। इन दिस वे दिस लेसन एंड्स हियर, और इसके साथ ही आपकी जो यात्रा अब तक जेमिनी स्टूडियो में चल रही थी वो ख़त्म हो जाती है और इसका जो टाइटल है पोएट्स एंड पैनकेक्स वो भी जस्टिफाई हो जाता है। पैनकेक्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पोएट्स वही हैं जो लोग यहाँ पर फ्रिक्वेंटली इस स्टूडियो के अंदर विजिट कर रहे हैं और एक तरीके से मिस्टर वसान के सपोर्टिंग में ही विजिट कर रहे हैं और वो उनका जो मेन मोटिव है वो यही है कि कम्युनिज्म का विरोध करना, अपोज करना। सो, यहाँ पर टाइटल इसीलिए रखा गया है पोएट्स और पैनकेक्स। अब हम इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। फर्स्ट मीनिंग है इनकैंडेसेंट। इनकैंडेसेंट मीन ग्लोइंग विद हीट, मीन्स चमकने वाला। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन, मीन्स यूनिटी, एकता। आफ्टर दैट हीडियस, हीडियस मीन वेरी हगली, मीन्स बहुत भद्दा। एंड नेक्स्ट वन इज क्राइमसन, क्राइमसन मीन ऑफ डीप रेड कलर, गाढ़े लाल रंग का। नेक्स्ट वन इज ह्यूड, ह्यूड मीन कलर होता है, रंग। पोशन, पोशंस मीन ड्राउट्स ऑफ मेडिसिन, मीन्स औषधि जिसे हम हिंदी में कहते हैं। उसके बाद है वॉइस, वॉइस मीन ग्रीप या फिर मिसफॉर्च्यून, दुख। आफ्टर दैट इग्नोमिनी, इग्नोमिनी मीन्स डिसऑनर, असम्मान।
उसके बाद एफ्लुएंट, एफ्लुएंट होता है वेल्दी, समृद्ध. आफ्टर दैट डेप्टली, डेप्टली मीन क्लीवरली, चतुराई से. इसके बाद है टायरेड, टायरेड होता है लॉन्ग वॉयलेंट स्पीच. लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेसन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फियरी मिजरी सब्जेक्टेड टू मेकअप. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू. एंड नेक्स्ट वन इज हु वॉज सुबुज प्रिंसिपल. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वॉज द मोरल री आर्मामेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियो. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द बॉस ऑफ जामिनी स्टूडियो. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द कोड दैट फील्ड रेफर टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज द राइटर फेड अप विद द ऑफिस बॉय. एंड नेक्स्ट वन इज हु वॉज द ऑफिस बॉय, व्हाई वॉज द राइटर फेड अप विद हिम. And last one is write a brief character sketch of Subbu. If you like this video then please share and subscribe the channel and please comment in the comment box and press the like button also. I will appear soon with new video. Till then bye bye, keep watching, keep